जुनेरा ये फरमाइएगा कि आप भी अपनी जानिब से कोई ऐसा मैसेज हमारी देख जो बहनें देख रही हैं उनको दीजिएगा कि फी जमाना माँ और बेटी के ताल्लुक में ये जो गैप आ गया है वो गैप ना रहे। देखिए फिर वही बात है कि बहुत समझना पड़ेगा, हमारी दुनिया और हमारी आखिरत दोनों का इन्हिसार इस पर है। क्यों अल्लाह सुबहाना तआला ने फरमाया इन्नमल अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, फितना मीन्स आजमाइश। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश है, हम चाहें तो उनकी तरबियत करके अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को संवार लें, और चाहें तो लापरवाही बरत कर और उनको लापरवाही की भेंट चढ़ाकर अपनी दुनिया को भी और अपनी आखिरत को भी ख़राब कर लें। तो इसमें एंड ऑफ द डे अहम बात यही रह जाएगी कि आप अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा उसे सुलू करें। मैं एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च शेयर करना चाहूँगी आखिर में, और बहुत से भाई भी इस पर बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे, मुमकिन उन्हें अच्छी भी ना लगे। फरमाइए फरमाइए। रिसर्च ये है कि बच्चे की, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, उसका जो IQ है, जो उसकी इंटेलिजेंस है और जो उसकी मेमोरी है, उसका 100% ताल्लुक जो वो जेनेटिकली लेता है माँ से लेता है, बाप से कुछ लेना देना इस वाले पोर्शन का ये जो ऊपर है ही नहीं। अच्छा। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप औरत को इतना सप्रेस करेंगे और उसको कहेंगे तुम्हें अकल नहीं है, तुम बेवकूफ हो, तुम कमजोर हो, तो वो सारी इंटेलिजेंस आपने यानी उसकी ग्रोथ रोक दी। सही। किसी को थोड़ा सा मोहब्बत से इनकरेज करके आप उसको बहुत ज्यादा जहानत की बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं, और डिस्करेज करके एक अच्छे खासे जहीन और ताकतवर शख्स को आप बिल्कुल नाकारा कर सकते हैं। तो याद रखिए कि माँ जो है, जो खातून है, सारा का सारा बच्चे का जो IQ है, जो उसकी ब्रेन का, जो उसकी मेमोरी का सिस्टम है, उसका ताल्लुक चूंकि माँ से है, वो इनहेरिट करता है। तो माओं को बहुत ज्यादा अब उनकी जिम्मेदारी इसमें और बढ़ गई। सिर्फ खुश होने की बात नहीं है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपनी तरबियत करें और हमारे बच्चों के अंदर हम इस चीज को ट्रांसफर करें। खुसूसन बेटियों की परवरिश इस तरह से की जाए कि वो एक बेहतरीन मुफीद इंसान और मुफीद शहरी बनकर सोसाइटी में आए, जिससे हमारी दुनिया और हमारी आखिरत इंशाल्लाह दोनों संवर जाएं। बिल्कुल सही। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और बस लास्ट में जो एक हम बहुत ज्यादा वर्ड मैं सुनती हूँ माशरे में या घरों में, माएँ भी ये कहती हैं और बेटियाँ भी खास तौर पर, तो इस लफ्ज़ को शायद कहीं पॉजिटिव वे में हमें इस्तेमाल करना है कि सबकी पर्सनल लाइफ है। अब पर्सनल लाइफ के चक्कर में सब अपने अपने जो खाने हैं उसमें रह जाते हैं बंद होके, कोई एक दूसरे से मोहब्बत के दो बोल नहीं बोलता है, कोई एक दूसरे से के साथ मिलकर बैठता नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। तो लोग माशरे में, सोसाइटी में या घर में अफराद के बगैर, रिश्तों के बगैर मुकम्मल नहीं होते। रिश्तों के बगैर कोई शख्स मुकम्मल नहीं है। तो आपने इन्हीं रिश्तों के साथ, मोहब्बतों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है जब हमने इसी माशरे में रहना है। तो इन्हीं रिश्तों के साथ मोहब्बत से रहिए, आप एक दूसरे को वक्त दीजिए ताकि हर शख्स एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, ताकि स्ट्रेस कम हो, दूरियां फासले ख़त्म हो, और एक मोहब्बत का रिश्ता, चाहे वो माँ बेटी के दरमियान है, बाप और बेटे के दरमियान है, सास ससुर के दरमियान है, सास बहू के साथ है, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता अगर ले लें, अभी तो हम बात